वेलकम दोस्तों टू आवर चैनल। आज का जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, 15,000 miles, 20 घंटे। पहले हम लोग जाएंगे वॉर्सा, शिकागो टू वॉर्सा, वॉर्सा टू दिल्ली। वेडिंग्स अटेंड करनी है मुझे इंडिया में, फंक्शंस पार्टीज मिलना है रिश्तेदारों से, जिसमें हम पहले पहुंचेंगे पोलैंड वॉर्सा, उसके बाद दिल्ली कनेक्टिंग फ्लाइट। तो एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मैं 4 घंटे पहले चला था और तकरीबन 1-1.5 घंटा सिर्फ लगेज वगैरह चेक इन और इमिग्रेशन वगैरह में लग गया, तो 1-1.5 घंटा बर्बाद हो गया मेरा इसी में ही। उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा इस एरिया में जो शिकागो का फूड कोर्ट एरिया है एयरपोर्ट पर, यहाँ मैं अक्सर खाना खा लेता हूँ क्योंकि आसानी से ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और आप बैठ कर आराम से खाना खा सकते हैं रिलैक्स होके। मैंने ये ग्रिल चिकन बोल लिया था विथ राइस हमस, और ये एरिया है काफ़ी अच्छा, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इसमें, 3-4 रेस्टोरेंट्स ही हैं। उसके बाद बोर्डिंग करने के बाद मुझे एकदम से डिनर मिल गया, और अगर मुझे ये चीज़ पता होती तो मैं नहीं लेता रेस्टोरेंट से खाना। पास्ता था, स्पिनच पास्ता फेटा चीज़ के साथ, अच्छा था। मुझे वैसे भी पास्ता ज़्यादा पसंद है, और चीज़ जो कि मुझे स्लाइसेस वगैरह मिलते हैं मैं ज़्यादा नहीं खा पाता, मुझे इतना पसंद नहीं है चीज़, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद, सैलड ज़्यादा पसंद है और केक ऑफ कोर्स। मिड एयर यू कैन सी बाहर का व्यू है। डिनर के फौरन बाद इन्होंने हमें एक सैंडविच दिया एज ए स्नैक, जो कि जिमी जॉन्स स्टाइल था, ड्राई सैंडविच सिर्फ वेजीज और चीज़ थी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। जिमी जॉन्स इससे काफ़ी बेटर होता है टेस्ट में। और ये वेफर चॉकलेट दी थी जो कि किट कैट या ट्विक्स की तरह इसका फ्लेवर था, काफ़ी ठीक ही थी, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था कि डिफरेंस मैं बता सकूं किट कैट ट्विक्स और इसमें, टेस्ट काफ़ी सिमिलर लगा मुझे। और मेड इन पोलैंड थी तो मैं कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड था इसको ट्राई करने के लिए। तो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वॉर्सा हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ये सैंडविच अभी भी इंतज़ार कर रहा है ख़त्म होने का, कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने की। वॉर्सा हम लोग पहुँच गए हैं और फ़्लाइट हमारी एक्चुअली रेडी है, कनेक्टिंग फ़्लाइट, लेकिन हम लोग बोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम, अभी भी मुझे 1.5 घंटा वेट करना है। तो मैं एक्सप्लोर करूँगा एयरपोर्ट बोर्डिंग के बाद, अब फ्लाइट जो है रनवे की तरफ जाएगी और फिर टेक ऑफ करेगी। रात का जो नज़ारा होता है फ़्लाइट से शहर का, जब वो टेक ऑफ कर चुका होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो देखते हैं कैसा नज़ारा होगा वॉर्सा का। मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा कुछ अच्छा होगा, शिकागो या दिल्ली या फिर जैसे कि न्यूयॉर्क वगैरह का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। रात के टाइम आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रीट्स में लावा फ्लो कर रहा है क्योंकि सारे स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हैं और कार्स की लाइट्स ऑन होती है, तो इतना ट्रैफिक होता है कि वो आपको ऐसा लगता है लावा फ्लो कर रहा है स्ट्रीट्स के थ्रू। बट यहाँ मैं डाउट करता हूँ कि ऐसा कुछ दिखेगा। टेक ऑफ होने ही वाला है, स्पीड पकड़ चुका है प्लेन, और ये तकरीबन 200-250 माइल्स पर आवर की स्पीड से प्लेन टेक ऑफ करता है, तो काफ़ी हाई स्पीड है। अगर आपके पास स्नैपचैट हो तो उसमें कभी कभी स्पीड सेंसर्स भी होते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं स्पीड को। तो टेक ऑफ कर चुका है, अभी हम लोग एयर में हैं और देखते हैं थोड़ा ऊपर पहुंचने के बाद पता चलेगा कि कैसा व्यू है वॉर्सा का। थोड़ा तो अभी से ही देखना शुरू हो गया, पर फॉग इतना है और थोड़ा रेन ड्यू ग्लास पे इतनी है कि क्लियर व्यू आना मुश्किल है। देखिए यहाँ से थोड़ा बेहतर दिख रहा है इस वक्त, बट उतना अच्छा नहीं जितना कि दिखता है। चलिए अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली,
तो काफ़ी शॉर्ट जर्नी रही आप लोगों के लिए, बट इसमें 7-8 घंटे लग गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है फ़्लाइट। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद मुझे कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई जो कि कोविड के दौरान हुई थी। काफ़ी हैसल था एयरपोर्ट के थ्रू जाना और बाहर निकलना, इमिग्रेशन वगैरह, काफ़ी चेकिंग वगैरह हो रही थी उस वक्त, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ रहे थे। बट शुक्र है कि अब हम लोग उस दौर से चले गए, तो अब कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा होपफुली। अगर कुछ नए रूल्स रेगुलेशन हैं तो देखेंगे क्या है, बट मुझे लगता नहीं कुछ है, क्योंकि जो लोग मुझसे पहले ट्रैवल कर चुके हैं उन्होंने बता दिया है मुझे कि कुछ नहीं चाहिए होगा, और मैं अभी भी मूवी एंजॉय कर रहा था। तो ये जो डिस्टेंस है जो आप प्लेन से निकलते हैं और आपको इमिग्रेशन के ऑफ इमिग्रेशन काउंटर्स तक जाना होता है, ये सबसे लंबी जर्नी है। आई थिंक दिल्ली और अगर ओहेयर एयरपोर्ट का आप कंपेयर करेंगे तो डिस्टेंस वाइज काफ़ी एरिया वाइज सिमिलर है। बैगेज क्लेम इसमें तो बस आप ना ही पूछें और मेरे व्यू ना ही जाने तो बेटर है। तो डायरेक्टली कनेक्टिंग एयरपोर्ट के थ्रू एक ब्रिज है, विद इन फ्यू स्टेप्स आप मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं, और ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है हमेशा, ओला उबर और कोई भी टैक्सी वगैरह लेने से बेटर है दिल्ली में कि आप मेट्रो ले लें। और ये अपनी मेट्रो दिल्ली की, पूरे इंडिया की कहीं पर भी मेट्रो, ये देर बेटर दैन मेट्रोज इन US और एनी अदर कंट्रीज। वेरी गुड, वेरी क्लीन, they're very new, fairly new than other countries. चलिए फिर मिलते हैं, बाकी व्लॉग्स भी इसी पर अपलोड करेंगे, तो कंटिन्यू वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स, बाय।